तो हम आ चुके हैं इको टूरिज्म आमाणिया, तो देखते आए एंट्री फी क्या है। चलो, तो यहाँ का एंट्री फी है और एक व्यक्ति का 25 है, 25 रुपया, और गाड़ी पार्किंग 10 रुपीस। चलो आगे अंदर देखते हैं क्या नज़ारा मिलता है। चलो अगर लेना पड़ेगा मुझे तो इको टूरिज्म आमाणिया में ये एंटर कर चुके हैं, तो आगे देखते क्या नज़ारा मिलता है। ये देखो ये गार्डन लगे हैं, दोनों तरफ पेड़ है ये, और मैं आगे दिखाता आपको लोकेशन क्या है। ये देखो दोनों तरफ ये ब्लॉक लगाया है, और देखो यहाँ पे नज़ारा काफ़ी काफ़ी पेड़ बहुत ऊँचे है ये। और यहाँ सर हम आ चुके हैं फिलहाल इको टूरिज्म आमाणिया, तो और ये दोनों तरफ बांस के पेड़ लगे हैं। ये देख दिखाओ थोड़ा लोकेशन, इसका लोकेशन दिखाओ। ये ब्लॉक लगे हैं दोनों तरफ, तो चलने का बहुत ही अच्छा है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो नाव पड़ा है ये जो ये पानी में तैरने का। अच्छा, और ये बाइक से थोड़ा उनको गाइडेंस मिला, तो थैंक यू साहब जी, और मिलते हैं अभी थोड़ा आगे जाके घूम के आता हूँ। तो ये है यहाँ पे आया था मैं विजिटर सेंटर ऑफिसर, और यहाँ का लोकेशन दिखाता हूँ। ये जो तो यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ, ये सीढ़ियाँ लगी है, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी लगती है यहाँ पे। ये देखो ये इतना ऊंचा है, काफ़ी सीढ़ियाँ लगी है यहाँ पे। ओ दिखाता हूँ, यहाँ देखो यहाँ वो पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे। यहाँ क्या है, शुल्क के रुपये छोड़ थोड़ा के नहीं। और ये दोनों तरफ गार्डन है, ये देख है ये, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो बहुत कम से कम 50-60 फुट नीचा लगता है मेरे को यहाँ पे। ये जो लोकेशन है ये काफ़ी शानदार है यहाँ पे। ये पूरी तरह ये लगा है ये तरफ, आज जा नेक्स्ट तक जाके देखता हूँ मैं। और यहाँ से ओहो चलो भाई, ये सब आपको तो ये है आमाणिया इको टूरिज्म, और मैं आपको दिखाता हूँ सीढ़ियाँ लगी है, ये लादी है, ब्लॉक पड़ा है। यहाँ से नज़ारा देखो आपका कितने दूर लग रहा है, ये काफ़ी नज़ारा देखने का अच्छा है। और ये दोनों तरफ बाग है, गार्डन है, पौधे है, पेड़िया है, और मैं आगे जाके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से यहाँ का नज़ारा देखो, ये काफ़ी सुंदर लोकेशन है, ये है चारों तरफ लोकेशन है, जंगल है यहाँ पे, ये टूरिज्म बना हुआ है। और यहाँ से ये बड़े बड़े पेड़ है यहाँ से, और यहाँ पे ये आगे जाके देखता हूँ मैं क्या है। और मैं आगे जाता हूँ, ये सीढ़ियाँ लगी है, काफ़ी सारा जंगल है यहाँ, तो काफ़ी सारा जंगल है। और आगे मैं दिखाता हूँ, तो ये देखो ये है, प्लीज यूज डस्टबिन कचरा पेटी मत रखो। अच्छा, डिसिप्लिन थोड़ा रखना चाहिए यहाँ पे। तो आगे जाके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या है। ओ ये दोनों तरफ ये स्टोर लगे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो थोड़ा ये यहाँ पे क्या लिखा, विस्तार प्लास्टिक प्रतिबंध से प्लास्टिक में उपयोग करो नहीं, उपरोक्त सूचना। अच्छा अच्छा ये बात है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, उसके बाद चारों तरफ जंगल पड़ा है, और यहाँ आगे जाके दिखता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा दो फ्रेंड लग रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है दिखता हूँ। टेक गुड केयर यू प्लीज प्रॉपर्टी, अच्छा है, टेक गुड केयर प्लीज प्रॉपर्टी। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ,
तो मैं अंदर आ चुका हूँ अमन इको टूरिज्म में, और आगे जाके दिखता हूँ ये क्या है। यहाँ देखो, यहाँ बैठने का साहब जी कैसा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं अंदर आ चुका है, ये बना हुआ है बैठने का। कैंटीन है, ये क्या कैंटीन है साहब जी? अच्छा, यही बात है। साहब से थोड़ा पूछते हैं, यहाँ पे क्या है? वन सी कैंटीन। कैंटीन में अभी क्या है? अच्छा, लंच है, डिनर है। यहाँ अपना गुजराती क्या क्या आप? गुजराती डिश ने डांगी डिश मिले, गुजराती और डांगी डिश मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि जंगल ज़्यादा है इसलिए गुजराती लोग ही ज़्यादा आते हैं। अच्छा, ये बात है। और आप यहाँ का स्टाफ में है? अच्छा अच्छा, आप स्टाफ में हैं, बराबर, ये बात है। तो काफ़ी जानकारी इसने दी मेरे को। और यहाँ लिखा है लंच और डिनर है, ब्रेकफास्ट कॉफी चाय। यहाँ पे रेट तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ खुला ही है। और ये आगे जाके फ्यूचर में ज़्यादा डेवलप होगा यहाँ पे। जो यहाँ पे के जो किचन में खाना पकाती है वो कुछ साफ सफाई करी यहाँ पे। और यहाँ की वर्किंग, ये देखो यहाँ का नज़ारा ब्यूटीफुल, एकदम स्वच्छता ज़्यादा है। और आगे फ्यूचर में देखने के यहाँ पे लंच डिनर और ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो मैं आगे जाता हूँ अभी यहाँ से।